और अभी है ना मैं ये मंगोड़ी बनाऊंगी। आज मैं आलू और मंगोड़ी की सब्जी बनाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं बनाई। और ये है मसालदानी खाली, अभी कल साफ किया था इसको। मसालदानी में मसाला डालना है मुझे। और इधर ये तेल रखा है तो भी तेल डालूंगी मैं इसके अंदर। और ये जीरा है जो मैंने जीरे को थोड़ा रोस्ट करके और सुबह मैंने ये पीसा था इसको, तो ये मैंने जीरा पाउडर बनाया है। और यहाँ पर मैंने दिन में है ना छाछ बनाई थी तो ये रखी हुई है इधर। और ये मैंने दूध है इधर, दूध रखा हुआ है। तो और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने उड़द दाल भिगोई है इसके अंदर। ये देखिए सुबह भिगोई थी मैंने, ये उड़द दाल है इसमें, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द दाल के दही बड़े बनाने वाली हूँ मैं आज, इसलिए मैंने ये दाल भिगोई है। तो अभी मैं बनाऊँगी। कि ये ना मेरे दही भी रखा हुआ है और काफ़ी पड़ा हुआ है अभी, तो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम हो गया दही बड़ा नहीं बनाया है। और रियांशु का भी खाने का मन करता है, हस्बैंड का भी करता है, तो मैंने सोचा चलो आज प्रोग्राम बना लेते हैं, दही बड़ा बनाते हैं। और सुबह मैंने हस्बैंड से बोल दिया था तो हस्बैंड खुश हो गए। तो जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना वो बहुत खुश हो जाते हैं। और अभी मैं तेल डालूँगी उसके अंदर और अभी इसमें मसाले डालने हैं मेरे को। और मैंने ना काफ़ी शॉपिंग की है अभी, मैंने 2-3 दिन पहले भी मैंने, और मैंने जो आपको ना वो चूड़ा दिखाया है ना वो उसकी मैं परसों गई थी मार्केट, तो मैं साड़ी लेकर आई थी ग्रीन कलर में बनारसी साड़ी, तो उसका मैचिंग का चूड़ा लेकर आई हूँ मैं ये आज जाकर। तो अभी मैंने उसको रख रखा है, उसको मैं पहनूंगी तब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पूरा चूड़ा साड़ी सब। क्योंकि मैं ना मार्केट का घी बिल्कुल भी नहीं खाती, और चाहे हस्बैंड है ना मंगवाते हैं बाहर से, जैसे घर का घी मंगवाते हैं वो मतलब कभी तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, तो वो भी मुझे घी इतना खास पसंद नहीं आता, मैं नहीं खाती। और मार्केट के घी भी मुझे ना अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उनमें बदबू वगैरह आती है, स्मेल से आती है, तो मेरा मन नहीं करता है खाने का। तो लेकिन मैंने ये वाला घी है ना हस्बैंड लेकर आए और इसको मैंने ट्राई किया है, सच बताऊँ ये बहुत ही अच्छा घी है। इसमें पराठे दाल में आप किसी में भी इसको मतलब रोटी में लगा के खाते हैं ना तो लगता ही नहीं है कि मतलब है ना जैसे कोई मार्केट का घी है, लगता ही नहीं है। इतनी अच्छी तो इसकी खुशबू है और क्या बोलते हैं खाने में है ना बहुत ही टेस्टी है, ये टेस्ट आता है खाने में, ऐसे नहीं लगता कि जैसे बदबू आ रही है, अजीब अजीब इसकी स्मेल आ रही है, मतलब ऐसा जी सा मचलाता है, जी सा घबराता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वरना मैं बिल्कुल भी खाने वाली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खाने वाली नहीं हूँ। अगर ये घी अच्छा नहीं होता तो मैं आपको बताती भी नहीं, शेयर भी नहीं करती, और क्या बोलते हैं मैं खुद ही यूज़ नहीं करती। तो आप भी अगर लाना चाहें तो आप ज़रूर इस घी को ट्राई कर सकते हैं। और है ना पूजा के लिए अलग रखती हूँ, खाने के लिए अलग रखते हैं, तो अब से यही घी हम खाने में ट्राई करेंगे क्योंकि ये मुझे पसंद आ गया इसलिए। तो तेल तो डाल दिया है, Thank you.
15-20 मिनट इसको मैंने अच्छे से हाथों से फेंटा है। मैं सूट करना भूल गई, याद नहीं रहा मुझे। और इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, और साथ में डाला है मैंने साबुत जीरा, और उसको अच्छे से मैंने फेंटा है। कम से कम मुझे 20 मिनट लग गए इसको फेंटने में, और फेंटने के बाद में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए बैटर, और ना ज़्यादा पतला रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, और तभी जो बड़े हैं वो बहुत अच्छे से बनके तैयार होते हैं। और यहाँ पे मैंने तेल कढ़ाई में डाल दिया है, और तेल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा तेज तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे जो बड़े हैं वो अच्छे से अंदर से बढ़िया से पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम आँच में उसे सेकना ज़रूरी है। और इधर मैंने पानी तैयार किया है, इसमें डाला है मैंने नमक और साथ में हींग, तो इधर हमारा पानी भी रेडी है। हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए, देखिए। ये देखिए, इनको मैं साइड में निकाल दूंगी, इधर यहाँ पर। इधर से ही कर लिया कर ऐसे। तो इधर निकाल देंगे, अब हम नेक्स्ट डालेंगे। अंदर से अच्छे से देखो, ये अंदर तक पका है, बढ़िया पक्के ये रेडी हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। ध्यान दे लेते हैं कि हमारे, चेक कर लेते हैं इनको भी। तो अब ये बड़े हैं इधर, इनको पानी में डाल देते हैं ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और इधर हमारे इसमें पानी में मैंने डाल दिया इनको, हींग और नमक का पानी जो हमने तैयार किया था वो डाल दिया है, तो ये थोड़ी देर रखूंगी 5 मिनट। तो मैं दही फेंट रही हूँ, और इसमें मैंने डाली है थोड़ी चीनी, और इसको मैं फेंट लूँगी इस तरह से अच्छे से
चीनी डाली है मैंने इसमें। ये देखिए अच्छे से फेंट लिया है, रेडी है ये, तो अब सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया और इसमें मैंने चीनी डाली, और यहाँ पर हमारे वड़े एकदम से रेडी हो गए हैं। और मैंने जो पानी बनाया था उसमें इनको कुछ टाइम के लिए मैंने भिगो के रखा और फिर मैंने इनको निकाल लिया यहाँ पर। और मसाले में हमने लिया है यहाँ पर ये जीरा पाउडर, ये काली मिर्च और ये है काला नमक। सबसे पहले डालेंगे हम ये काली मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब डालेंगे हम ये रेड चिल्ली, डाल दी। अब डालेंगे हम ये भुना हुआ जीरा, अब हम डाल देंगे ये ब्लैक पेपर। हमारे वड़े बनकर एकदम तैयार हो गए हैं और सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए एकदम रेडी हैं, तो एक पीस मैं आपको काट दिखाती हूँ। तो हमारी वड़ों की थाली लगकर रेडी हो गई है और ये खाने के लिए एकदम तैयार हैं। देख के कितना अच्छा इनका लुक आया है, देखने में इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है, तो ये खाएंगे तब और भी अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेंगे, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। तो रियांशु खा रहा है दही वड़े, और रियांशु कैसे बने? टेस्ट कैसे है? टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छे टेस्ट है। बस एक चीज़ की कमी है, इमली होती है ना, इमली, मीठी इमली उसमें डालते ना तो और भी अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे अच्छे लगते हैं। अच्छे लगे आपको? खाओ। और एक बाइट मैं भी लेती हूँ आपके साथ में। ये बाइट आपके लिए, आप भी खाइए हमारे साथ। बहुत अच्छे बने। तो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। छोटा सा मैंने शूट किया है, जब मैं दही बड़े बना ही रही थी तो मैंने सोचा मैं शूट कर लेती हूँ, तो इसी वजह से मैंने शेयर कर दिया। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मुझे दीजिए इजाज़त, गुड नाइट। ये उड़द दाल का बैटर है जो मैं डोसा बना रही हूँ।
इधर आधा बैटर मैंने इधर निकाल लिया अलग से। इसके मैं इसमें मिर्ची प्याज और मसाले वगैरह सब डाल के ये बैटर मैंने तैयार किया जिसके मैं अप्पे बना रही हूँ। तो ये देखिए परफेक्ट बन गया हमारा, एक तो यहाँ पे बन गया है और ये सेकंड है।